सो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए फिर नया सा वीडियो लेके आ गया। जैसे कि हेयर को स्टाइल एडिट कैसे करें, जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने, जैसे कि टकला वाला को मैंने हेयर लगा दिया। तो आप भी ऐसा वाला जो हेयर है देख लीजिए, बहुत सारे हेयर मिल जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करेगा, कैसे क्या कर लेगा। तो इस वीडियो में मेरा बने रहे ताकि आपको हर इस्ट में मालूम आ जाए। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ कैसे कर लेता है। जैसे कि आप पी शर्ट ऐप्स को ओपन कर लीजिए, ये बोला प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उधर से जाओ इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि इसको ओपन कर लिया, ओपन होने के बाद आपको ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि आप ये ओपन होने के बाद आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि इससे वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें क्लिक कर लेता हूँ, करने के बाद सबसे ऊपर ऐसा वाला जो एडिट फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जिस वाला टकला वाला फोटो वही वाला मैं डाल देता हूँ, डाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे कर लेता है। दोस्तों, जैसे कि मैं एक टकला वाला को क्लिक कर लिया, करने के बाद आप तो देख सकते इतना सा हो गया। होने के बाद थोड़ा सा साइड में करेगा तो आपको ऐसा वाला फोटो ऐड पर दिखाई देगा। जैसे कि मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, ऐड करने के बाद आपको जिस हेयर को सिलेक्ट कर रखा है वही हेयर को मैं लगा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रखा हूँ, बहुत सारे हेयर मिल जाएगा तो आपको दिखा देता हूँ कैसे लगा देता है। जैसे कि मैं भी इसको भी लगा दिया, तो वही वाला आपको अच्छा से लगा कर दिखा देता हूँ। बहुत सारे हेयर मिल जाएगा तो कैसे डाउनलोड कर लेता है वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि इसको क्लिक कर लेता हूँ, इसको क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऐड फोटो पर दिखाई दे रहा है, तो ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि ऐड पर क्लिक कर लिया तो ये वाला फ़ोटो मेरे पास आ गया। तो आपको इसे वाला जो घुमाने का चाहिए तो आपको इसे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ, घुमा कर दिखाई देता हूँ। जैसे इसको क्लिक किया तो ऐसा वाला घूम गया। दोस्तों, तो देख लीजिए यार, इसका साइज में कर लेता हूँ। जैसे कि इसको क्लिक करके मैं साइज पर कर लेता हूँ, करने के बाद आपको फिर भी दिखा देता हूँ कैसे कर लेता है। दोस्तों, तो इसको मैं साइड पर जैसे किया तो आप ऐसे देख रहे हैं, इतना सा तो आपको समझ आएगा, इतना सा आपको समझ आ गया। तो इसको हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि इसको छोटा भी कर लेता हूँ इतना सा, तो आपको इतना सा तो समझ आ गया। आने के बाद फिर इसमें फ़ोटो पर एक बार क्लिक करेगा तो आपको ऊपर में ऐसे वाला टिप्स दिखाई देगा, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसको क्लिक कर लिया तो आपको ऐसा वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको काट लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ऐसे करके काट लीजिए। काटने के बाद आपको फिट खिला कर दिखा देता हूँ दोस्तों, कैसे फिट खिलाएगा। तो इसको आप मेरा चैनल पर अच्छा से बने रहे ताकि आपको हर स्ट्रीम में मालूम आ जाए। दोस्तों, तो आपको और वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको समझ आ जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैसे कर लेता हूँ। दोस्तों, आप भी ज़रूर ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। दोस्तों, इतना सा तो करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काटता है। दोस्तों, इतना सा तो हो गया, फिर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इतना सा तो फिर भी हो गया, होने के बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको हर स्ट्रीम में समझ आ जाए। जैसे इसको बड़ा कर लिया, बड़ा करने के बाद इतना सा तो हो गया, फिर इसको क्लिक करके मैं फिर भी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये वाला जो बड़ा हुआ था उसको फिर भी एडजस्ट कर लिया। दोस्तों, तो देख सकते इतना सा तो फिर भी हो गया, इसको भी हल्का सा काट लेता हूँ। फिर देख लीजिए दोस्तों, मैंने तो इसको भी फेट खिला दिया, कितना सा अच्छा हुआ। फिर ऊपर में आपको राइट पर जैसे दिखाई देगा, राइट पर क्लिक कर लेता हूँ एक बार, तो इतना सा तो हो गया। दोस्तों, फिर आपको राइट पर क्लिक करना होगा, जैसा फिर भी राइट पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे कि इसको मैं सेव कर लिया, सेव करने के बाद आपको इधर से डाउनलोड हो जाएगा। इससे डाउनलोड ऑप्शन का आ गया तो आपको फिर गैलरी पर जा कर दिखाई देता हूँ ओवला फोटो मेरे पास आया कि नहीं आया। दोस्तों, जैसे कि आपको एक बार फिर भी ऐसे कर लेता हूँ, तो इतना अभी तो फोटो आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो तो आ गया, ऐसा करके आप लगा सका। जैसे कि कलर करने वाला ऑप्शन पर मिल जाएगा, ऐसा वाला जो पी शर्ट स्नैपचैट ऐप्स को देख रहे हैं ना, इसको क्लिक करके मैं जो कलर ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि इसको फिट खिलाने वाला हूँ दोस्तों, जैसे इसको क्लिक कर लिया करके तो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि इसको मैंने जिसको एडिट किया हेयर को उसकी मैं दबा देता हूँ। जैसे इसको क्लिक करके मैं, इतना सा तो हो गया, फिर ऊपर में ऐसे वाला जो देख रहा है इसमें क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद आपको कलर पर ऑप्शन पर ये वाला जो कलर देख रहा है रेड पलक कलर पर ले लेता हूँ। जैसे कि रेड कलर ले लिया तो इसको हल्का सा कम कर लेता हूँ, तो आप भी देख सकते इसको फेड करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते कितना सा फेड हुआ, राइट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि राइट पर क्लिक किया तो आपको ऊपर में ऐसे वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करके मैं इधर से सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, इतना सा तो हो गया, आप तो समझ आए हो, इतना सा समझ आ गया। फिर इसी में क्लिक करके आप इधर से क्लिक कर लीजिए, आपको एक बार दिखेगा तो आपको आप ही समझ आ जाएगा। दोस्तों, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा, तो उधर उधर क्लिक करके आपको इधर से 100 कर लीजिए। जैसे 100 कर लिया तो आपको बढ़ा करके ऐसे कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे करके मैंने कर लिया,
दोस्तों, आप देख सकते मैंने कैसे कर लिया दोस्तों। तो इतना सा तो हो गया, आपको काटना चाहिए तो आपको ऐसे करके काट दीजिए, जैसे कि ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ऐसे करके काट सको दोस्तों। जैसे कि मैं काट लेता हूँ, काट के आपको दिखा दिया दोस्तों, ऐसे करके भी आप भी काट सको दोस्तों। तो आज के लिए इतने काफ़ी चाहिए। तो इधर से तो हो गया, होने के बाद आपको लाइट देने पड़ेगा, जैसे कि मैं इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इधर से आपको बैक करने पड़ेगा दोस्तों। बैक करने के बाद इधर से आपको फिर भी क्लिक करके आपको ऊपर मिले ऐसे वाला ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो इधर से मैं क्लिक करके इसको हल्का सा लाइट दे देता हूँ। जैसे कि लाइट दिया तो आपको देख सकते कितना सा लाइट अच्छा हो रहा है। फिर राइट पर क्लिक कर लेता हूँ, इतना सा तो फिर हो गया। फिर इसी में क्लिक करके आपको थोड़ा सा ऊपर करेगा तो आपको फेस मास्क करने का ऑप्शन मिल गया दोस्तों। जैसे कि फेस मास्क कर लेता हूँ ताकि और भी ज़्यादा फोटो अच्छा हो जाए। तो इसको दोनों उंगली से छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आपको राइट पर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे राइट पर ऑप्शन पर क्लिक कर लिया, फिर उसी में जाने पड़ेगा। जिधर जिधर गया उसी में जाने के बाद आपको दिखा देता हूँ फिर भी कैसे कर लेता है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में क्लिक करके आपको बनाकर दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे कर लेता है। जैसे कि इसको 75 कर लेता हूँ दोस्तों। 5 करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कितना सा चेंज हो रहा है फेस मास्क। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे करके चेंज कर सकते दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सा चेंज हो रहा है। तो मैं फेस पहले कर लेता हूँ। जैसे कितना सा हो गया, पर राइट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे राइट पर क्लिक किया तो आपको इतना सा तो हो गया। फिर एक बार बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको इसी में क्लिक करके आपको सेव करना होगा दोस्तों। जैसे कि इसको मैं क्लिक करके इधर से सेव कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद आपको हेयर को कैसे कहाँ पर मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। चाहिए तो गूगल से, चाहिए तो आपको इसे वाला ऐप्स देख रहा है इधर से आपको दिखा देता हूँ। इधर बहुत सारे हेयर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे इसको क्लिक कर लिया, तो इसको क्लिक करने के बाद आपको दिखा देता हूँ इधर जो आपको सर्च करने होगा हेयर, तो आपको हेयर एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला सर्च कर लिया था मैंने, तो आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लिक करेगा तो आपको ऐसा वाला बहुत सारे हेयर मिल जाएगा। तो आप चेक करके, आपको बहुत सारे मिल जाएगा, तो आप एक एक करके चेक करके आपको लगा सके। जैसे कि मैं आपको ये एक दिखा देता हूँ कैसे कर लेता है। जैसे 3 डॉट क्लिक करके आपको 3 डॉट में क्लिक करेगा तो आपको ऐसा वाला जो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आपको ऐसा वाला लिंक दे भी किसी को दे सकते दोस्तों। जैसे कि इसको मैंने डाउनलोड कर लिया तो आपको दिखाई देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करने का, जैसे कि डाउनलोड हो गया तो आपको इतना सा तो हो गया। फिर आपको रिमूव बीजी गूगल पे जाने पड़ेगा। जैसे कि गूगल पे चला जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को रिमूव बीजी लिखने पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको रिमूव बीजी लिख रही दे दो, रिमूव बीजी लिख लीजिए आप दोस्तों ज़रूर। इसको क्लिक करेगा तो आपको जैसे वाला हेयर को मैंने एडिट कर जैसे डाउनलोड किया ना, उसी को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि वो वाला फ़ोटो आपको, जैसे कि इसको मैंने रिमूव किया था दोस्तों, तो आपको रिमूव ऐसे करके कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसको मैं क्लिक करके मैं वही वाला फ़ोटो डाल देता हूँ जिसको मैंने रिमूव करना चाहती दोस्तों। तो इसको मैंने डालने को थोड़ा सा ऊपर करेगा तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इधर से डाउनलोड कर सको, जैसे कि इधर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। करने के बाद आपको दिखा देता हूँ जैसे आपको ये वाला रिमूव हो चुका है। होने के बाद आपको दिखा देता हूँ जैसे कि इसको क्लिक कर लिया, करने के बाद आपको ऐसा वाला रिमूव हो चुका है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सा रिमूव हो गया। तो ऐसे करके आप भी लगा सकते दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर चलता हूँ, फिर मिल